Chapter number 9, Plants Around Us. In this chapter, we are going to study about different types of plants which we see in our surroundings, parts of a plant and uses of plants. In Do You Remember section, few of the pictures are given and names are also given. And we have to match these images given with the correct name. So first picture is of tree here. So match tree with A. Then picture number B, shrub is here. This is shrub. Rose plant kaun si category mein aata hai? Shrub mein aata hai. And number third, this is a plant of tulsi and it is a herb. Now let us start the chapter. Plants are found everywhere. Like humans and animals, plants are also living things. They do not move, but they grow. Plants need air, water and sunlight to grow. Plants har jaghe paaye jaate hain. Plants are found everywhere. Jaise ki humans aur animals living beings hote hain, living things hote hain, same aise hi plants bhi living things hote hain. Wo move nahi karte. Apni place pe stable rehte hain, fixed rehte hain. But they grow, वो ग्रोथ वो उगते हैं, वो बड़े होते हैं, उनके साइज एंड शेप में चेंजेस आता है. प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. प्लांट्स को क्या क्या चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए? दे नीड, दे रिक्वायर एयर, वाटर एंड सनलाइट. दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. रिवाइज वंस अगेन विथ मी, से एयर, वाटर एंड सनलाइट. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे कितने तरह के प्लांट्स होते हैं. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, देर आर सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स. डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट्स होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ट्रीज. ट्रीज कैसे पौधे होते हैं? प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज. वो पौधे, वो प्लांट्स जो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रीज. दे हैव अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. उनकी जो स्टेम होती है, एक बहुत मोटी सी स्टेम उनके पास होती है. वुडी मतलब कंप्लीट हार्ड स्टेम होती है, वुड से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई, वो थिक होती है, मोटी होती है, उसे हम ट्रंक कहते हैं. देखिए पिक्चर में, वेयर इज ट्रंक? दिस इज ट्रंक. मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन एंड ऑन ट्रीज. बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, चिड़िए, जानवर, बहुत सारे क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स, या तो पेड़ के ऊपर रहते हैं, ब्रांचेस में बैठते हैं, नेस्ट, जैसे कि बर्ड्स कहाँ पे अपना नेस्ट बनाती हैं, ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. इंसेक्ट्स भी रहते हैं कुछ ट्रीज में, कुछ लीव्स में रहते हैं, कुछ कहीं पे टीनी टीनी ब्रांचेस में छुपे हुए होते हैं. एनिमल्स उनके शेड में रेस्ट करते हैं, पेड़ों की छाया के नीचे रेस्ट करते हैं, पेड़ों की छाया में रेस्ट करते हैं. तो इन दिस वे वी कैन सी मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स विच लिव इन एंड ऑन ट्रीज. कुछ पेड़ के अंदर रहते हैं और कुछ पेड़ के ऊपर रहते हैं. अ ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स. एक फीचर इसका ये भी है कि ट्री बहुत लंबे सालों तक, बहुत सालों तक जीवित रहता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री, पाम ट्री. देर आर सेवरल काइंड ऑफ ट्रीज. हियर टू ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन ओनली, मैंगो ट्री एंड पाम ट्री. देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट इज श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. वो पौधे जो ट्री से छोटे होते हैं, मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इनमें. दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. ये ब्रांचेस की जो ग्रो, इन जो ब्रांचेस की ग्रोथ होती है, वो ग्राउंड से क्लोज होती है, ग्राउंड से पास पास में इनकी ग्रोथ होती है. ये बहुत टॉल नहीं होते पौधे, बहुत बड़े नहीं होते, ये मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं. इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल, रोज, जैस्मिन एंड कॉटन.
अगर आप रोज़ का पौधा देखें, जैस्मिन का पौधा देखें, कॉटन के प्लांट को देखें, तो दीज ऑल आर द श्रब्स, ये सभी श्रब्स कैटेगरी में आते हैं। दे आर नाइदर वेरी बिग नॉर वेरी स्मॉल, दे आर मीडियम साइज प्लांट्स एंड देयर ब्रांचेज आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज श्रब्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज हर्ब। सो वॉट आर हर्ब्स? हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स, नॉट वेरी स्मॉल, स्मॉल प्लांट्स। सो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, उनकी स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है। सम हर्ब्स आर यूज एज मेडिसिंस, कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल हम मेडिसिन जैसे भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी। तुलसी एंड मिंट बोथ आर टेकन एज मेडिसिन, दीज आर मेडिसिनल प्लांट्स। अच्छा, वॉट इज मीनिंग ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। फॉर एग्जाम्पल पीस, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है उनकी स्टेम, और इतनी कमज़ोर होती है, इतनी वीक स्टेम होती है कि वो इरेक्ट खड़े भी नहीं हो सकते। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, वो ग्रो नहीं करते स्ट्रेट स्ट्रेट, सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट ग्रो नहीं करते वो स्ट्रेट ग्रो कर ही नहीं सकते, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए, स्टैंड होने के लिए, और ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं क्लाइंबर्स के? लेट अस सी, पीज, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इज क्रीपर। क्रीपर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम। कुछ और प्लांट्स जो कि ग्राउंड में अपने आप को क्रॉल करते हैं, मतलब स्प्रेड होते हैं, जो ग्राउंड में फैलने वाले पौधे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम, उनकी स्टेम भी बहुत वीक होती है, तो वो स्टैंड नहीं हो पाते, वो खड़े नहीं हो पाते, वो एकदम इरेक्ट स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाते। दैट्स वाई दे यूज टू स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, इसीलिए ग्राउंड के ऊपर ही ऊपर स्प्रेड करते हैं, फैलते रहते हैं, तो उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। वो क्रीप करते हैं, है ना, आगे बढ़ते बढ़ते ग्राउंड पे ही वो अपने अपने पूरा एरिया कैप्चर करते हैं और अपना अपना साइज एक्सपैंड करते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स कहते हैं। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो क्रीपर्स कैटेगरी में फॉल होते हैं? लेट अस सी फॉर इन द एग्जांपल सेक्शन, वाटरमेलन एंड पम्पकिन। वाटरमेलन का पौधा अगर आपने कभी देखा हो तो देखिएगा, दैट इज अ क्रीपर। पम्पकिन जो हम खाते हैं सब्जी कद्दू की, वो भी क्रीपर का ही प्लांट होता है। किसका फ्रूट होता है पम्पकिन? उसका जो प्लांट होता है वो भी क्रीपर कैटेगरी में फॉल होता है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर, मैच द फॉलोइंग इज गिवन हियर। नीड सपोर्ट टू ग्रो, किसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, बताइए? क्लाइंबर्स। देन सेकेंड क्वेश्चन, हैव थिक वुडी स्टेम। कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट की वुडी स्टेम होती है और वो भी थिक होती है, मोटी होती है? आंसर इज ट्रीज। देन थर्ड वन, सॉफ्ट स्टेम किसकी होती है? हैव अ सॉफ्ट स्टेम, हर्ब। एंड फोर्थ वन, हैव मैनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। किसमें होती हैं? श्रब्स में होती हैं। ओके, देन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करेंगे। प्लांट में कौन कौन से पार्ट क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, प्लांट के बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में देखिए, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हमारे पास स्टमक है, चेस्ट है, फेस है, हेड है, हेयर है, तो दीज ऑल आर अवर पार्ट्स, ये हमारी बॉडी पार्ट्स हैं। सेम ऐसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी उनके पार्ट्स होते हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वन इज रूट्स, पहला है रूट्स। रूट्स क्या होती हैं? जड़ें। दे हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल। अब व्हाट इज द रोल ऑफ रूट? अब रूट का रोल क्या होता है? उसका रोल ये होता है कि वो प्लांट को अपनी प्लेस पे फिक्स रखता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट इरेक्ट खड़ा हो पाता है, सीधा खड़ा हो पाता है। दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। अब मिट्टी से, जो मिट्टी में सॉइल में कुछ मिनरल्स हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, और वाटर हम सॉइल पे ही डालते हैं,
तो वाटर में वो एसेंशियल मिनरल्स घुल जाते हैं और प्लांट का खाना बन जाता है। तो वो फूड, वो वाटर कौन अब्जॉर्ब करता है, प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ऊपर तक, रूट्स। तो रूट्स क्या करते हैं, दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। पूरे प्लांट के लिए वो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और फूड नीचे से, सॉइल से। देन नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम। स्टेम का क्या फंक्शन होता है, इट सपोर्ट्स द प्लांट, वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट का स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे मजबूत और थिकेस्ट मतलब मोटा पार्ट होता है, हिस्सा होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स। इसका एक फंक्शन और होता है, एक कार्य इसका और होता है स्टेम का, कि ये लीव्स से, पत्तियों से, देखो लीव्स क्या करती हैं, लीव्स पूरे प्लांट के लिए फूड को मैन्युफैक्चर करती हैं, फूड बनाती हैं। तो लीव्स ने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, अब उस लीव से खाना किसने ऑब्टेन किया, किसने लिया, स्टेम ने, और उस फिर उस पर्टिकुलर स्टेम से पूरे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वो खाना पहुंच जाता है। इस तरीके से सप्लाई कौन कर रहा है फूड की, स्टेम कर रहा है, कहाँ पर, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। और क्या कर रहा है स्टेम, स्टेम स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स, दे मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। अब लीफ का काम क्या होता है, पत्ती का काम क्या होता है, वो पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लीव्स का कलर क्या होता है, पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस की होती हैं। हर एक प्लांट के, हर एक लीव्स, हर एक प्लांट्स के लीव्स का जो शेप होता है और साइजेस, साइज होता है, वो डिफरेंट होता है। सम ऑफ द लीव्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, सम लीव्स आर बिग एंड मीडियम साइज ऑल्सो। सो इस तरीके से इनका शेप एंड इनका साइज वेरी करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि अलग अलग तरीके का होता है। फ्लावर, फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर्स आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के, प्लांट की पूरे पूरे बॉडी पे फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर, क्यों, क्योंकि कलरफुल होता है, सुंदर दिखाई देता है। देन फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या होते हैं, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। अब फ्लावर्स आगे चल के क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स में अंदर सीड होता है, बीज होता है। द सीड कैन बी वन, टू और मैनी इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट। सीड्स बहुत सारे हो सकते हैं, किसी किसी फ्रूट में वन सीड होता है, जैसे मैंगो में वन सीड होता है, किसी किसी सीड में, किसी किसी फ्रूट में दो सीड्स होते हैं, किसी किसी फ्रूट्स में बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स आर प्रेजेंट। ये डिपेंड करता है कौन कौन सा फ्रूट है, जैसे पपाया अगर हम एग्जाम्पल लें तो पपाया में कितने सीड्स होते हैं, नंबर ऑफ सीड्स आर प्रेजेंट इन साइड द पपाया, इजंट इट। सो इन दिस वे फ्रूट क्या होता है, एडिबल पोर्शन होता है। फ्रूट किसी भी प्लांट का एडिबल पोर्शन है, जिसे हम खाते हैं, उसका जो फ्लैशी पार्ट होता है वो हम कंज्यूम करते हैं, खा लेते हैं, और उसके जो सीड्स होते हैं उनको हम प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि हम फर्दर उस प्लांट को ग्रो कर सकें। क्योंकि जब हम उस प्लांट के बीज को, उस हम फ्रूट के हम सीड को सो करेंगे, ग्राउंड पे बोएंगे उसको हम, तो उससे एक नया सैपलिंग, नया पौधा जनरेट होगा उसी फ्रूट का। तो इन दिस वे सीड्स आर वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ प्लांट्स। नाउ इट्स टाइम टू आंसर, गेस हु आई एम, क्वेश्चन इज आस्किंग, आपको गेस करना है कौन हूं मैं। फर्स्ट है, आई कीप द प्लांट फिक्स टू द ग्राउंड, मैं प्लांट को ग्राउंड में फिक्स रखता हूं, कौन हूं मैं, रूट, ROOT, रूट। देन सेकेंड वन, आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, बताइए द मोस्ट कलरफुल पार्ट क्या होता है प्लांट का, फ्लावर। देन थर्ड वन, आई हैव सीड्स इनसाइड मी, मेरे अंदर सीड्स होते हैं, द आंसर इज फ्रूट। फोर्थ क्वेश्चन, आई मेक फूड फॉर द प्लांट, मैं पूरे प्लांट के लिए खाना बनाता हूँ, कौन है ये, लीव्स। लीव्स क्या होती हैं, किसी भी प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं, फूड मैन्युफैक्चर करती हैं पूरे प्लांट के लिए, जिसे मम्मा बनाती हैं ना किचन में खाना पूरे फैमिली के लिए। इन द सेम वे लीव्स यूज टू प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ स्टडी इज यूजेस ऑफ प्लांट्स।
क्या क्या इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स के, लेट अस सी. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम. हमें उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं. फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. प्लांट्स हवा को, हमारे एटमोसफियर में जो एयर कंटेंट है उसको क्लीन रखते हैं, क्लीन रखते हैं और फ्रेश रखते हैं. प्लांट्स गिव अस फूड. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फूड ग्रेन्स. प्लांट्स से हमें काफ़ी कुछ खाने के लिए मिलता है, फूड हमें मिलता है. फूड ऑप्टेन हम कहाँ से करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स. मेजर अमाउंट ऑफ फूड इज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स. जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स खाते हैं आप, जैसे कि कैश्यू नट्स खाते हैं, आलमंड्स खाते हैं, वॉलनट खाते हैं. तो ये काजू किशमिश सब कहाँ से आ रहा है? दिस ऑल आइटम्स आर कमिंग फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फूड ग्रेन्स. प्लांट्स से हमें फूड ग्रेन्स भी मिलते हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, सीरियल्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड देन आफ्टर पल्सेस ऑल्सो. जितनी भी दालें होती हैं सब प्लांट का प्रोडक्ट होती हैं. तो प्लांट्स से हमें काफ़ी कुछ मिलता है खाने के लिए. नेक्स्ट, प्लांट गिव अस फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, सैक्स, रोप्स एंड मैट्स. प्लांट्स से हमें फाइबर भी मिलता है, जिससे कि फाइबर मतलब रेशा, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं. सैक्स मतलब बोरे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बैग्स जो होते हैं ना उनको हम सैक्स कहते हैं, जिसमें रफ मटेरियल से बनाए जाते हैं वो. देन आफ्टर रोप्स बनाए, रस्सियाँ बनाई जाती हैं प्लांट के फाइबर्स से. मैट्स मतलब कि जिसमें हम पैर वगैरह पोछते हैं अपने, फुट मैट्स वगैरह को, फुट मैट्स वगैरह बनाए जाते हैं प्लांट से. प्लांट्स गिव अस वुड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. प्लांट से हमें वुड भी मिलता है. वुड मीन्स लकड़ी, जिससे कि फर्नीचर बनता है. वी गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स. हमें टी मिलता है, चाय की पत्ती मिलती है, हमें कॉफ़ी मिलते हैं, कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं वो प्लांट्स पे ग्रो होते हैं. तो टी, कॉफ़ी, शुगर जैसे कंपोनेंट्स भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं. शुगर मीन्स शक्कर, शुगर कैन से बनता है, शुगर है ना. प्लांट्स सच एज मस्टर्ड गिव अस कुकिंग ऑयल. ऐसे पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें कि सीड्स ऐसे आते हैं जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ऑयल मतलब तेल निकाला जाता है, जैसे कि मस्टर्ड, लिंसिड, फ्लैक्स सीड. इन सारे पौधों से क्या बनाया जाता है? कुकिंग ऑयल बनाया जाता है. देन आफ्टर प्लांट्स गिव अस पेपर, गम एंड रबर. प्लांट हमें पेपर देता है, प्रोवाइड करता है, गम्स देता है, रबर भी उसी से बनता है. वी ऑल्सो गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम. नीम जैसे पौधों से हमें मेडिसिन भी मिलता है. मेडिसिन, काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनके थ्रू हमें मेडिसिन ऑब्टेन होती हैं, जैसे कि तुलसी, मिंट, नीम एट्सेट्रा. वी ऑल्सो गेट परफ्यूम्स फ्रॉम प्लांट सच एज रोज एंड जैस्मिन. कुछ पौधों से परफ्यूम बनाया जाता है, जैसे कि रोज एंड जैस्मिन. रोज के प्लांट से, जैस्मिन के प्लांट से क्या बनता है? परफ्यूम बनता है.